वेलकम टू हेल्थ केयर में बने रहें इस वीडियो के साथ। आज मैं बताने वाली हूँ कि गर्मियों में बच्चों को कौन से डाइट फूड खिलाने चाहिए और उनके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से उन्हें खिलाना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड, आम तौर पे सबको पता है कि ड्राइड फूड का सेवन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है और अच्छा है, बट आता है कि ड्राइड फूड दें तो दें कौन सा गर्मी ड्राइड फूड दें तो दें कौन सा जो बच्चों को गर्मियों में नुकसान ना दें। चलते हैं नंबर वन, बादाम। बादाम बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे गुण तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां और ब्रेन को हेल्प करते हैं। बादाम का सेवन कैसे करना चाहिए? बादाम, आधा बादाम रात में भिगो के मॉर्निंग में पेस्ट में बच्चे को खिलाना चाहिए। नंबर टू आता है खजूर। खजूर खाने से बच्चों की हड्डियां और आंखें और आयरन की कमी कम होती है। बच्चों के हेल्थ के लिए खजूर बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि खजूर में बहुत ऐसे मौजूद तत्व होते हैं जिससे कि बच्चे की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। क्योंकि खजूर में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन ऐसी चीज़ों का स्रोत बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। बट खजूर को देना कैसे? रात में खजूर को भिगो के सुबह मॉर्निंग में जो भी फूड बनाते हैं बच्चों को उसका पेस्ट बना के उसमें मिक्स करके देना है। नंबर थ्री आता है किशमिश। किशमिश का सेवन बच्चों के लिए हड्डियां मजबूत करती हैं। पॉइंट टू, बच्चों को किशमिश खिलाने से उनमें इम्यूनिटी बनी रहती है। पॉइंट थ्री, किशमिश खिलाने से बच्चों की याददाश्त तेज रहती है। पॉइंट फोर, किशमिश खिलाने से बच्चों के मानसिक की वृद्धि होती है।